चलो हम खाली यहाँ देखो, बस कुछ मत करो, खाली यहाँ देखो, क्या जो तुमको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना हो लगा लेना फिर। ए तुम रखो तो जल्दी मोबाइल, जल्दी जल्दी उसे छीन लो, छीन लो, हटाओ उसको वहाँ से। क्या है? हाँ है जी, सफाई करती है। हटाओ जल्दी, जल्दी हटाओ, फिर देखो घर जाना, जम के मोबाइल यूज करना, कोई कुछ नहीं बोलेगा। चलो हाँ ठीक बोल गया। हाँ तो हम लोग को पढ़ना था सेल्फ, पहले हम सेल्फ और म्यूचुअल को एक बार कंपेयर कर देते हैं, ठीक है, एकदम क्लियर हो जाएगा उससे। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, देखो जी सबसे पहले सेल्फ इंडक्टेंस हम लोग को ये पता चला था कि एक सर्किट रहता था, बस कितना सर्किट रहता था, बस एक सर्किट, ये सिंगल सर्किट। अब इस सिंगल सर्किट में जितना हम लोग तभी से अभी लेंज लॉ को डिस्कस किए, वही कहानी यहाँ होगा कि यहाँ पर एक पोटेंशियल छूट गया, यहाँ पर मतलब बैटरी छूट गया, यहाँ पर आई करंट जा रहा है। अब मान लो कि इंड्यूस करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में आया, सपोज, ठीक है आ गया। तो यहां पर ये इंड्यूस्ड करंट क्यों आया, क्योंकि ये आई क्या था, चेंजिंग। अब ये चेंज क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है, दोनों। क्या तुम बोलिए? हाँ ये चेंज, चेंजिंग करंट रहेगा, लेकिन हम पूछ रहे हैं यहाँ सेल्फ क्यों आया, वर्ड सेल्फ इसीलिए आया क्योंकि ये खुद ब खुद आया। हम लोग तो यहाँ करंट ये वाले नहीं लगा के दिए, हम लोग क्या किए, हम लोग बस ये आई करंट फ्लो करवाए और ये खुद से आ गया। लेकिन ये सारा कहानी किस में हुआ, एक सिंगल सर्किट में, दो सर्किट को तो यहाँ जरूरत नहीं है, है भी नहीं दो सर्किट, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर हम लोग ये पढ़े थे कि करंट आ गया, उसके बाद ये पता चला कि जो फ्लक्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के। क्यों फ्लक्स और करंट आपस में प्रोपोर्शनल क्यों है, नहीं सो कुछ रीजन है ना, सेल्फ इंडक्टेंस वही है कि अच्छा इसको डिनोट किससे कर रहे हैं, एल से, है ना। सेल्फ और ये फ्लक्स और करंट आपस में प्रोपोर्शनल क्यों है, क्योंकि देखो ये जब करंट चेंज होता है, वो पूरा प्रोसेस करंट चेंज हो रहा है, तो इस चेंजिंग करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, और अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तब क्या होगा, उससे आई डैश आएगा जो इधर आया है, चलो वो तो ठीक है। लेकिन तुम यहाँ रिलेशन देखो, इसके चेंज होने की वजह से ये चेंज हुआ, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि करंट और फ्लक्स आपस में प्रोपोर्शनल है। और ये कौन सा करंट है, पुराना वाला करंट, तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, ठीक है। और यहां क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट देंगे, ठीक है, जिसको कि हम लोग बोलेंगे M, तो फाई इज इक्वल टू आएगा एम आई। और ये कैसा फ्लक्स है जी, टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स एम लिख रहे जी, एल ना होगा यहां पर, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई, एल का मतलब यहां पर क्या है, इंडक्टेंस, और आई का मतलब क्या है, करंट, ठीक है। तो यही सेल्फ इंडक्टेंस में पढ़ते हैं हम लोग। अच्छा और फॉर्मूला क्या था इस पे, और एक फॉर्मूला क्या था फ्लक्स का, एक फॉर्मूला लिखा था नंबर ऑफ टर्न्स के फॉर्म में जो लिखते हैं, क्या था वाला, एल इज इक्वल टू एन फाई बाई आई। तो देखो यहाँ से फाई इक्वल टू एल आई भी दिख रहा है, क्लियर है ना, और यहाँ पर क्या किया, नंबर ऑफ टर्न्स लगा दिए बस। अच्छा उसके बाद ये एक एक्सप्रेशन हुआ, दूसरा एक्सप्रेशन क्या पढ़े थे अभी, उसको भी लिख ही दे रहा है, चलो फाई इज इक्वल टू एल आई, चलो ठीक है। फिर यहाँ पर लॉन्ग सोलिनॉइड की वजह से एक्सप्रेशन क्या आता है, सेल्फ इंडक्टेंस का लॉन्ग सोलिनॉइड की वजह से एक्सप्रेशन क्या आता है, लॉन्ग सोलिनॉइड की वजह से एक्सप्रेशन किसका है, वो किसका है, वो एल का है, एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर
म्यू नॉट एन स्क्वायर एल बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल हाँ यार वहाँ पर रेडियस सर्कल का क्या ले लिया होंगे आर, ठीक है तो ये आया था उसमें, है ना। अच्छा यहाँ पर एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अब हम लोग इस पे आते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस पे, जो पढ़ना है आज। म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम लोग एम से डिनोट कर रहे हैं, और म्यूचुअल इंडक्टेंस में होगा क्या, दो कंडक्टर रहेगा, ठीक है। तो चलो वहाँ पर दो सर्किट बनाएंगे सबसे पहले, तो ये एक सर्किट है, ये है वोल्टेज, और यहाँ पर एक और सर्किट होगा। सर हाँ जी बोलो। L is equals to mu naught by n square pi r square by L होगा ना, r square by L होगा ना, L तो L L मार दोगी फिर, तो हम डाल देंगे ना n by L, तो वो तो एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है। n is equals to n by L होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो L is equals to क्या होगा, mu naught एन स्क्वायर बाई एल स्क्वायर एल बाई आर स्क्वायर, यहाँ पर तुम एन में एन स्क्वायर बाई एल स्क्वायर डाली ना, तो एल स्क्वायर एल मर गया, फिर वही आएगा, एक ही बात है दोनों एक्सप्रेशन, ठीक है। इसको लिखो चाहे इसको लिखो, दोनों एक ही बात है। ये एन सी आर टीम दिया हो, ये हम लिखवाए, मतलब हमने लिखवाए हैं, दूसरा बुक में होगा वही। चलो ये है इंडक्टर, ये एक और इंडक्टर है। अब ये इस सर्किट को हम बोल रहे हैं प्राइमरी, गलत जगह बना दिए, और ये सर्किट क्या हो गया, सेकेंडरी। अच्छा एक बात सबसे जरूरी, यहाँ पर एक आई करंट फ्लो कर रहा है, ये आई करंट ऐसे 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 गोल गोल घूमते हुए जाएगा, तो इसके वजह से क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है होगा जरूर, क्योंकि करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये हम लोग कैसे पढ़े हैं, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, इस रिलेशन से कि करंट अगर है तो मैग्नेटिक फील्ड पक्का होगा। तो यहाँ पर क्या होगा जी, ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें जाएगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें जा रहा है। मतलब यहाँ पर अगर तुमसे कोई पूछेगा कि किसका मैग्नेटिक फील्ड के वजह से सेकेंडरी में इंड्यूस करंट आता है, तो तुम बोलोगी प्राइमरी वाले का क्या बनता है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किसमें बनेगा, प्राइमरी वाले का मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी में। इसमें कोई डाउट है ना है? मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा प्राइमरी का हर केस में। अच्छा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, चलो इसमें बताना दो तुम, ये क्या नाम है दुखी, इसमें बताना दो थोड़ा, ये दुखी है ना, एग्जाम है ना, इसलिए फिर एग्जाम के बाद भी दुखी है होगा जी। अच्छा तो अच्छा होगा एग्जाम। ये है रोहित का दिमाग। क्या हुआ था, आया था तो, तो उसको कुछ हाल हार माला ऐसा पहना है कि नहीं, ये है प्राइमरी। चलो इसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी, इसको बोल रहे हैं सेकेंडरी, ठीक है। अब हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये दे रहे हैं इस बार, ना 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 ये नहीं दे रहे हैं, चलो ऐसे। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको देखो सेकेंडरी बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं और उधर क्या पढ़ा है हम अभी, तो उसके बाद बोलेगी इसके ये हमेशा ट्रू होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि सेकेंडरी से प्राइमरी में जाए, इम्पॉसिबल। तो फिर यहाँ कैसे जा रहा है फिर, हाँ हाँ पता है, तुम बताओ जल्दी क्या, अरे इस ये जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना रहा होगा तो किधर जा रहा होगा इसका मैग्नेटिक फील्ड, आगे भी जा रहा होगा और पीछे भी जा रहा होगा, तो इसका जो पीछे वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर फैला हुआ है। अरे नहीं समझी, मैग्नेटिक फील्ड निकला इसी से है लेकिन वो पीछे भी तो गया है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हर जगह जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। जैसे हम यहाँ डंडा के लेके खड़े हैं, आगे वाला आदमी को चोट लग रहा है तो पीछे वाला आदमी को नहीं लगेगा, मैं डंडा लंबा होगा पीछे वाला भी तो लगेगा, क्या जरूरी है, जरूरी है। वैसे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी जरूरी है कि इसका फील्ड लाइन सब तरफ जाएगा, इसीलिए जरूरी है बोल रहा है, ठीक है। तो ऐसा केस भी पॉसिबल है। चलो अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक सर्कल के वजह से एक्सप्रेशन निकाले थे ना जी, दो कंसेंट्रिक सर्कल के वजह से एक्सप्रेशन याद होना चाहिए,
एक्सप्रेशन याद होना चाहिए सब, जितना फॉर्मूला लिखे थे वो सारा सेल्फ इंडक्टेंस का था। और म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, इसमें भी वही कहानी होगा, आई करंट के वजह से, आई करंट मतलब पुराने वाले करंट की वजह से क्या होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा या चेंज होगा फ्लक्स। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, किसमें, प्राइमरी वाले में, लेकिन ये म्यूचुअल इंडक्टेंस में, लेकिन यहाँ जो फ्लक्स होगा वो सेकेंडरी का होगा, सेकेंडरी वाले का फ्लक्स में चेंज होता है, प्राइमरी वाले का फ्लक्स में चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर तुमको हमेशा मेंशन करना होगा, उसमें तो नहीं कर रहे थे मेंशन क्योंकि उसमें एक ही सर्किट था, किसमें, सेल्फ इंडक्टेंस में, लेकिन यहाँ दो सर्किट होता है और यहाँ पर फ्लक्स में किसका चेंज होता है, सेकेंडरी वाले का, प्राइमरी वाले का नहीं होता है क्योंकि प्राइमरी से सेकेंडरी में गया मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो क्या देंगे, कॉन्स्टेंट, तो एम आई इज इक्वल्स टू फाई टू, टोटल चेंज इन फ्लक्स। और ये M का मतलब क्या है जी, M का मतलब नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, हमको पता था ऐसे म्यूचुअल इंडक्टेंस आराम से एकदम। तो ये तो कहानी हो गया। अच्छा, फॉर्मूला में है ना जी सिमिलैरिटी, दोनों का क्या सिमिलैरिटी है, यही